टिकटॉकर का मजाक उड़ाने वालों, थूक जितनी औकात है तुम्हारी। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूँ सारे लोग सेफ और इस लॉकडाउन में मौज ले रहे हैं। तो भाई आज की मेन खबर पे आते हैं। मेन खबर वैसे बॉलीवुड की, बॉलीवुड को साइड करते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि टिकटॉक हो चुका बैन। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं लड्डू भी बांट रहा था अपने मोहल्ले में, पर मेरे को दुख उन लोगों के लिए यार जो हमारे सोशल मीडिया स्टार थे, 30 मिलियन वाले, टैजू हो गया, पदनान हो गया, प्याज हो गया, मतलब बहुत सारे हैं। तो यार इनका बेचारे का धंधा चौपट होगा, मेरे को इनके लिए बहुत बुरा लग रहा, पर हम लोगों को इनका धंधा चलाना है। तो अभी जो भी इनकी पंचर की शॉप खोलेंगे ना, उस पर जाके अपने हवा भरवानी है अपनी गाड़ियों में, अपनी जो भी चीज चलाते हो, तो मोटरसाइकिल एक्टिव जो चलाते हो भाई, पंचर वहीं से लगवाना और हवा हवा सारी चीज वहीं से करवानी, ठीक है? खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो उन सभी लोगों का थैंक यू जो जो इस जर्नी में हम लोग के साथ है, टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब वाली में। जितने भी यूट्यूबर हो गए, मीमर हो गए, इंस्टाग्राम पेज, मतलब जितने भी तुम समझ रहे हो ना, जो जो इन्वॉल्व था इस टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब में, उन सभी को थैंक यू। और ये सब चीजें अब साइड करते हैं, टिकटॉक बैन हो गया, गई आई चीज होगी। अब आज के मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बॉलीवुड। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है, लोग चूतिया बनते रहेंगे। देखो तुम लोगों को मैं कहानी सुनाता हूँ। एक लड़का होता राहुल, वो कुछ नहीं करता, सिर्फ बकचोदी करता है, इधर से उधर पैर मारता घूमता है। पर उसमें ये टैलेंट है कि एग्जाम टाइम में टॉपर की सीट में सब कुछ कॉपी कर लेता है। और मजे की बात ये है कि उसके टॉपर से ज्यादा नंबर आते हैं और टॉपर को कोई नहीं पूछता, सब लोग राहुल को पूछते हैं। जो लोग समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, चलो एक बार बता देता हूँ। इसमें जो हमारा राहुल है वो है बॉलीवुड, और जो हमारा टॉपर है वो है साउथ इंडस्ट्री। क्योंकि भाई बॉलीवुड का ऐसा हाल हो चुका है कि ना इन पे आजकल ओरिजिनल स्क्रिप्टें हैं, ना ही अच्छे एक्टर्स को मौका देते हैं, और ना कुछ नया ट्राई करते हैं। नया ट्राई करने के नाम पे क्या करेंगे, हॉलीवुड की कोई मूवी कॉपी कर लेंगे। मतलब पुरानी से पुरानी, तुमने देखा होगा, मैं एग्जांपल नहीं दूंगा कि कौन-कौन सी हॉलीवुड से कॉपी कर रखी है। दूसरी साइड ये क्या करेंगे, साउथ की कोई मूवी होगी उसके राइट्स खरीद लेंगे, उसका रीमेक करते रह जाएंगे। मतलब जैसे कबीर सिंह होगी, कबीर सिंह अच्छी मूवी थी नो डाउट, पर है तो वो कॉपी, इनका ओरिजिनल काम नहीं है। तो आज के टाइम में मेन मुद्दा ये है मेरा कि आज के टाइम में जितनी भी बॉलीवुड में मूवी बन रही है सारी कॉपी है। मतलब कहीं ना कहीं से दो चार चीजें उठा रखी, कोई भी ओरिजिनल काम नहीं हो रहा हमारे बॉलीवुड में, कुछ बचा ही नहीं। मैंने लास्ट वीडियो नेपोटिज्म के ऊपर निकाली थी, और मेरे को ऐसा लगा था कि मैंने बहुत सारे पॉइंट मिस कर दिए, अगली वीडियो में कवर कर दूंगा। पर भाई बॉलीवुड में इतनी गंदगी भरी पड़ी है कि पूरी जिंदगी भी निकाल दूं ना अगर मैं कि इनकी गंदगी ढूंढने में, तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, पर इनकी गंदगी खत्म नहीं होगी। तो जितने भी कूड़ा कचरा, जितने भी पॉइंट लेके आए उनको सुन लो, मौका लगा तो आगे और वीडियो बना देंगे बॉलीवुड टॉपिक पे। पर पहले बता रहा हूं ये वीडियो डिलीट हो सकती है, तो भाई इसको डिलीट होने से पहले देख लेना, डाउनलोड कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो अब स्टार्ट करते हैं। गोली नहीं मारेंगे साले को, कह खेलेंगे उसके। मैं पक्का बता रहा हूँ इस वाली वीडियो से बहुत सारे लोग ऑफेंड होने वाले हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो में बात करूंगा सलमान खान की, संजय दत्त की, और भी काफी सारे लोगों की जिनकी फैन फॉलोइंग बहुत कैडी है। मेरे को पता कमेंट सेक्शन में इनके फैन आके मेरे को बहुत सारी गाली देने वाले हैं, एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। पर भाई कोई बात नहीं, जो सच्चा है वो सच्चा है, झेल सको तो झेल लेना, ना झेल पाए तो कोई बात ना, मैंने कौन सा तारा लेके खा रखा है। समझ में आया क्या? हाँ, मैं उस बारे में बात करूं, जब ऐश्वर्या राय को सलमान खान ने थप्पड़ मारा था और कोई फेमिनिस्ट का चौदह उठ के नहीं आया था कि ये लड़की के साथ तुमने क्या कर दिया। अच्छा, उनकी गांड फट गई थी कि कहीं सलमान खान का करियर ना खा जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सल्लू भाईजान की, हमारे सलमान खान भाई की। तो भाई जिनकी सारी मूवी 200, 300, 400 करोड़ रुपए कमाती है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि हमारे देश में कितने चूतिया खाली बैठे हैं जिनको ऐसी मूवी देखने मजा आता है, जिन मूवीज का ना कोई सर है पैर है। पर सल्लू भाई की मूवी है बहन चो बेशक 1000 रुपए की टिकट हो, भाई की मूवी है, देखनी है तो देखनी है। मैंने की है मेहनत, जो देखा मैंने पा लिया। सारी बॉलीवुड इंडस्ट्री हमारे सल्लू भाई से डरती है, उनको ये डर है कि सलमान खान को अगर गुस्सा आ गया तो भाई उनका करियर खा जाएंगे। कोई बात नहीं, उस बंदे ने अपनी अलग चौड़ बना रखी है। पर जो सुशांत के टाइम पे सलमान खान को गाली बकरे थे लोग, अब भी बकरे हैं, तो मेरे को उनसे ये पूछना है कि तुम तब कहां थे जब सलमान खान ने विवेक ओबेरॉय का करियर खराब कर दिया था, खत्म कर दिया था, मतलब एक तरीके से उसको इंडस्ट्री में से उठा के बाहर फेंक दिया था, उसकी मूवीज ले ली थी। तुम्हें सब कुछ पता, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। उस टाइम पे विवेक ओबेरॉय का किसी ने सपोर्ट नहीं करा, सब लोग कह रहे थे सल्लू भाई यार तुम कमाल के बंदे हो, जो तुम विवेक ओबेरॉय का करियर खा गए, क्या बंदा यार, कितना दबंग आदमी है। तो भाई उस टाइम पे कोई सपोर्ट में नहीं आया। मैं बताता हूँ विवेक ओबेरॉय की गलती क्या है, उसकी गलती ये थी कि वो जिंदा बच गया, और हमारी पब्लिक की आंख तब खुलती है जब वो बंदा इस दुनिया में ना बचता। उसके बाद उसके फॉलोअर्स भी बढ़ाएंगे, उसके लिए जस्टिस भी मांगेंगे, बहुत सारी चीज, मतलब उसके मरने के बाद ही होगी सारी चीजें। भाई ऐसे सपोर्ट का कोई फायदा नहीं है। अगर तुम्हें ऐसे दिख रहा है कि इंडस्ट्री में कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ ऐसे मतलब इनजस्टिस हो रहा, तो उसको अभी से सपोर्ट करो, उसके मरने का वेट मत करो। बहुत लोगों के समझ में आ गई होगी, जो समझदार होंगे नहीं, कोई बात नहीं, दूसरी बात पे आते हैं। ऐसा नहीं है कि सल्लू भाई बाहर वालों को लॉन्च नहीं करता, करते हैं, पर सिर्फ लड़कियों को, जैसे कटरीना कैफ होगी, जरीन खान होगी, जैकलीन फर्नांडिस होगी, इन सबको सल्लू भाई ने लॉन्च करा है। इनमें से दो ही चल पाई, जरीन खान नहीं चल पाई, उसने पक्का सल्लू भाई को कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया होगा, सलमान खान ने बहन चो तेरा भी करियर खाऊंगा। और मैंने सुना है कि आजकल सल्लू भाई यूट्यूब पे भी आ गए हैं, तो यूट्यूब पे अगर किसी ने सलमान खान के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया ना, तो वो उसका करियर भी खा जाएंगे। मत करो ऐसा भाई, मत करो प्लीज। सलमान भाई गरीबों की हेल्प करते हैं, उन पर गाड़ी भी चढ़ा।
सॉरी सलमान भाई गरीबों की हेल्प करते हैं, बहुत सारे एनजीओ खोल रखे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, पर हमें ये चीज इग्नोर नहीं कर सकते कि भाई उस पर हिट एंड रन का केस भी लग रखा है, ब्लैक बक मारने का मतलब उखाड़ा हिरन मारने का केस भी लग रखा है, पर कोई गवाह नहीं बचा, सलमान भाई ने गवाही खत्म कर दी है, तो अब कोई गवाही देने वाला बचा नहीं, तो आज भी खुले घूम रहे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर तुम पे पैसा है पावर है तो किसी माई के लाल में जोर नहीं तुम्हें अंदर बंद करवा सके। आज भी सल्लू भाई खुले घूम रहे हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ खुद की हेल्प करते हैं, सल्लू भाई का दिल बहुत बड़ा, अपने जैसे और भी क्रिमिनल्स की हेल्प करते हैं, जैसे सूरज पंचोली था, उसको लॉन्च भी सल्लू भाई ने करा था, पर ना उसको एक्टिंग आती है ना कुछ आता, इसलिए बेचारा फ्लॉप हो गया। कोई बात नहीं, और उसको ये फायदा हो गया कि सल्लू भाई ने उसको उस केस में से निकलवा दिया, जो उसकी बंदी थी क्या नाम है जिया खान, उसने सुसाइड कर लिया था, उसका नाम लिख के चली गई थी, तो उस केस में सूरज पंचोली को सल्लू भाई ने बचाया, वो मर्डर केस था, सॉरी बोलना नहीं, सॉरी 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 सॉरी। एक बार बेबी सेल्फिश होके अपने लिए जियो ना, क्या वाहियात लिरिक्स लिखे हैं ये सल्लू भाई ने लिख रखे हैं, और मतलब पहला तो ये क्वेश्चन है कि ये लिख क्यों रखे हैं, दूसरी बात हमारे बाहर ना गली कुत्ते घूम रहे हैं, अगर उनके पंजों पे इंक लगा के मैं ऐसे सफेद कागज पे ऐसे छाप दूंगा ना तो भी उससे अच्छे लिरिक्स लिख देंगे। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि जिस चीज में तुम अच्छे हो तुम वो करो ना, तुम बदमाशी करो ना। अब बात करते हैं महेश भट्ट की, जिसकी उम्र 71 साल है पर शौक सारे 25 साल वालों के हैं, और कोई भी कंट्रोवर्सी हो उसमें नाम ना हो महेश भट्ट का ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पर इस बार दोनों बाप बेटियों का नाम आया। मेरे को नहीं पता सुशांत वाले केस में इनका क्या लेना देना है, क्योंकि मैं किसी पे इल्जाम नहीं लगा सकता, पर एक चीज है जो तुम्हें पता होनी चाहिए कि बहुत साल पहले तुम्हें पता होगा 1993 बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड जो था डेविड कोलमैन हेडली, वो किसका दोस्त था, राहुल भट्ट का। राहुल भट्ट कौन है, महेश भट्ट का लड़का। अब मेरे को नहीं पता भाई इनका क्या संपर्क है आतंकवादियों से, टेररिस्ट क्या लेना देना, कौन इनकी फंडिंग करता, मेरे को कुछ नहीं पता, पर इतना जरूर है कि कोई लेना देना तो बहन चो है। पर वही सेम बात होगी, अगर तुम पे पैसा है, इन पे पैसा है, पावर है, लो निकाल लिया अपना छोरा बाहर, पर हमारे तुम्हारे जैसा कोई, हमारी हम करें ना आतंकवादियों से दोस्ती तो भाई हम तिहाड़ में पड़े पाएंगे या फिर फांसी पे लटके पाएंगे, तो तुम देख रहे हो पैसा होना कितना जरूरी है हमारी लाइफ में, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। अब मैं तुम लोग एक चीज बताता हूँ, बेशक तुम लोग को पता हो ना पता हो कोई बात नहीं, सुन लो ये वीडियो बेशक डिलीट हो जाए कोई बात नहीं, बहनचोद आईजीटीवी पे डाल देंगे, पर तुम सुनो मेरी बात, ये जितने भी सेलिब्रिटी हैं जो अपने आप को लिबरल समझते हैं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं, हिंदुत्व के अगेंस्ट बोलते हैं, अपनी हिपोक्रेसी दिखाते हैं अपने ट्वीट्स में, सौरभ भास्कर होगी, सोनम कपूर होगी, और भी बहुत सारे नाम है, तुम नाम लेने की जरूरत नहीं है, सुनो अब तो भाई, इनको मिलता पैसा पीछे से दूसरी पार्टीज की तरफ से ये सब ट्वीट करने के, ताकि इनके फॉलोअर्स के दिमाग में धीरे धीरे चीजें बैठाई जा सके, मतलब ये सही चीज को गलत बना के अपने फॉलोअर्स के दिमाग में धीरे धीरे डालते हैं, इसको बोलते हैं सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग। और इन सब चीजों के बीच में पिस्ता कौन है, आम जनता। और आज के बाद तुम्हें जितनी भी ट्वीट दिखे ना भाई कि ऐसे ये इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, इसके अगेंस्ट बोल रहे हैं, तो समझ जाना पीछे से मोटा पैसा पहुंचाया जा चुका है। तो भाई अब बहुत सारे लोग बोलेंगे एलविस भाई तुम तो यार रिलीजन को बीच में ले, मेरे भाई रिलीजन की बात गई ऐसी तैसी में, जो बात सच है वो सच है और जो बात गलत है वो गलत है, तुम्हें पता है और मुझे पता है। अब सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग से याद आया, एक मूवी आई थी संजू नाम की, बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, उस मूवी के एंड में तुम ये सोच के उठोगे यार संजय दत्त कितना अच्छा आदमी है, बेचारे के हालात अलग थे, मतलब मजबूरी थी, उसने ये सब काम करे, ड्रग्स व्रग्स, मतलब एक तरीके से उसकी पॉजिटिव इमेज लेके तुम उठोगे। भाई उस मूवी का काम ये था कि संजय दत्त की इमेज को पॉजिटिव बना सके, क्योंकि उसकी दो मूवी आने वाली थी, एक मुन्ना भाई 3 जो अभी रिलीज होगी, और तुम मानोगे नहीं उस मूवी 28 तारीख को रिलीज हुई, 28 जून को, 29 तारीख को नई उसकी नई मूवी का ट्रेलर आ गया, साहिब बीबी और गैंगस्टर, वो मूवी इसलिए गई थी ताकि उसके मूवी करियर को आगे बढ़ा सके, पब्लिक जो उसको नकार रही थी कि साला आतंकवादी, मतलब बहुत सारी चीज उसको क्लीन कर सके। अब तुम मेरे को एक चीज बताओ, चलो ये सब चीजें एक साइड, उसने काम करना था कर दिया, पर तुम मेरी बात सुनो, सपोज तुम्हारे मोहल्ले में कोई लड़का रहता है, उसके 350 गर्लफ्रेंड है, मतलब 350 लड़कियों के साथ सो चुका, ड्रग्स करता, दारू पीता है, और क्या क्या करता, उसने AK-56 राइफल और आतंकवादियों से दोस्ती, ये सारी चीज करता हूँ तुम्हारे मोहल्ले में एक लड़का, तुम ये कहोगे यार इसके हालात बहुत अलग है यार, इसकी मजबूरी है, इस पर बहुत गलत बीते, स्ट्रगल करा, तुम ये नहीं कहोगे, तुम कहोगे बहन जो कैसा चूते चिरांद बच्चा, साढ़े को पुलिस पकड़वाओ। और उस मूवी में दिखा रखा है कि भाई उसका दोस्त संजय दत्त का दोस्त उसको धोखा देता, खुद नहीं करता नशे और उसको करवाता। आप तुम एक चीज बताओ, संजय दत्त का इतना चूतिया, उसको ये नहीं पता लगेगा कि मेरा दोस्त क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। पर भाई हमारी जनता इतनी बेवकूफ है, मतलब जो मूवी में दिखाते हैं वो मान लेते हैं। हमारी बॉलीवुड में ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं जो लोगों के दिमागों के साथ खेलते हैं, मतलब लिखते हैं कि लोगों के दिमाग में ये सब चीजें धीरे धीरे फिट करूंगा, इसको बोलते हैं सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग। तो भाई तुम मूवीज में और रियल लाइफ में अंतर करना सीखो, एक वीडियो प्रॉपर बनाऊंगा इसके ऊपर, मतलब सारी चीज कवर करूंगा, डार्क साइड ऑफ
ऑफ बॉलीवुड, पूरी हिपोक्रेसी दिखाऊंगा सब लोगों की, कैसे कैसे हमारा माइंड वॉश करते हैं, मतलब सारी चीज बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ, शायद ये भी किसी ने ना बताई पर चलो कोई नहीं, सुन लो। अब तुम्हें जितनी भी चकाचौंध दिखती है बॉलीवुड में कि भाई पैसा है, स्टारडम है, कोई बात नहीं, मान ली मैंने है, पर सबके लिए नहीं है। अब सपोज कोई नया एक्टर है, वो मूवी करता है, उसको पैसे मिलते हैं, अब उसको यहाँ सर्वाइव करने के लिए जीनी पड़ती है दिखावटी जिंदगी, महंगे कपड़े, महंगी गाड़ी, महंगी पार्टीज, पर ये सब तब तक चलता है जब तक उसके पास पैसा है और मूवी आ रही है। जिस दिन उसकी मूवी आनी बंद होगी, पैसा खत्म हो गया, तो भाई अब वो दिखावटी जिंदगी कैसे जिएगा? तो उसको सर्वाइव करने के लिए चाहिए होता पैसा। तो बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनको मूवी नहीं मिलती, वो मुंबई में सर्वाइव करने के लिए दूसरे तरीके से पैसा कमाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा बहुत सारे बॉलीवुड वाले सेक्स रैकेट्स में पकड़े जाते हैं, मंत्रियों के साथ पकड़े जाते हैं, बहुत सारे स्कैम्स में पकड़े जाते हैं। उसका रीजन यही होता है कि उनको मूवीज नहीं मिल रही है और अपनी दिखावटी लाइफस्टाइल को बरकरार रखने के लिए उनको पैसा चाहिए और वो कुछ भी करने को तैयार है उस पैसे के लिए। तो भाई जैसा तुमको दिखता है ना वैसा है नहीं, मतलब तुम्हें अगर 100% दिखता है ना तो वो 2% ही है। नहीं कोई करता धरता मैंने कोई, आई एम नॉट टेकिंग वन होल लाइक यू नो ठेका ऑफ इंट्रोड्यूसिंग न्यू टैलेंट इन द इंडस्ट्री। व्हेन डिड आई बिकम दैट पर्सन? अब मेरा करण जोर से क्वेश्चन है कि अगर तू सिर्फ स्टार्स के साथ काम करता है तो तूने सिद्धार्थ मल्होत्रा को चांस क्यों दिया? That's my position, Ranveer. समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? भाई होशियार लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पर चलो कोई बात नहीं, चीजें साइड करते हैं। बॉलीवुड भाई एक ऐसा दलदल है जिसमें तुम एक बार फंस गए तो फंस गए, बाहर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यार मैं ये नहीं कह रहा कि बॉयकॉट कर दो बॉलीवुड को, ये मत देखो भाई, अच्छी मूवी देखो, टैलेंट को सपोर्ट करो। और सलमान भाई की मूवी देखो, अगर कोई अच्छी मूवी बनाते हैं, मेरे को पता है कि नहीं बनाएगा कभी वो अच्छी मूवी, पर कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पे अपने थोप नहीं सकता अपनी मर्जी। तो भाई तुम कुछ भी करो। और टिकटॉक यार बेचारा बैन हो गया, बैन जो मैं उसका सोच रहा था जोकर का रोस्ट करने का, वो साला मुंह बनाता ना आगे पीछे करता, कोई बात नहीं, उस साले की पुरानी वीडियो ढाका बना दूंगा। टिकटॉक का रोस्ट भी, टिकटॉक कोई बात नहीं, टिकटॉक का रोस्ट भी आएगा, मतलब देखते हैं कभी बाद में आएगा, और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आएंगी। बॉलीवुड के ऊपर भी निकालूंगा एक सीरीज अपनी बढ़िया सारी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लेना, एक ही आगा होगा। मेन चैनल है जो मेरा, उस पर 7 मिलियन करा दो यार, मेरे 6.7 मिलियन करा दे, तुमने थोड़ा और करा दो, 7 मिलियन करा दो, सब्सक्राइब करो, सब चीज कर दो। हिंदू भाइयों शेर बनो, जवाब दो ना, शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।